हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन फ्लेवर का फंडा। तो आज हम बनाए चल रहे हैं पनीर भुर्जी। इसके लिए मैंने कढ़ाई में 2 टेबल स्पून तेल डाल दिया है और तेल गरम हो गया है तो उसमें 1/2 टेबल स्पून जीरा डाल दिया है। ये बहुत ही कलरफुल और बहुत ही फ्लेवरफुल होता है, तो आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो हमारा जीरा तड़कने लगा है, हो गया है, तो हम इसमें प्याज ऐड करते हैं। मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक चॉप करके ऐड किया है और मैंने यहाँ अदरक का लहसुन का पेस्ट था, अदरक लहसुन का पेस्ट वो ऐड कर दिया है और मैंने 2 हरे मिर्चे को बारीक चॉप किया था वो भी ऐड कर देते हैं। तो हम अपने प्याज को अच्छे से सॉफ्ट करेंगे, धीमी आंच पे अच्छे से सॉफ्ट करेंगे। तो अब यहाँ मसाला ऐड करते हैं। मैंने यहाँ 1 टेबल स्पून धनिया डाला, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून सब्जी मसाला और थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर। तो यहाँ हम अच्छे से मसाले को भूनते हैं और मसाला जलने न पाए तो शिमला मिर्च को ऐड करते हैं। मैंने यहाँ 1 कैप्सिकम लिया था, उसे बारीक चॉप किया था। चलाते हैं, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं जिससे मसाला जले ना, और अच्छी तरह से पकाते हैं। मैं यहाँ पर टमाटर ऐड करती हूँ। मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर चॉप किए थे वो डाल दिया। अच्छे से सब्जियों को चलाते हैं, मिक्स करते हैं। तो ये देख लो कितना कलरफुल स्पाइसी दिख रहा है। तो आप लोग देखिए, यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी होता है। अब हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करते हैं जिससे हमारा शिमला मिर्च अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अच्छे से मिक्स कर दिया, अब इसको ढक देते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं अभी शिमला मिर्च सॉफ्ट नहीं हुआ है, थोड़ा कसर बाकी है, तो हम इसे फिर से ढक्कन लगा देते हैं और पका लेते हैं थोड़ा। तो अब हम देखते हैं हमारा शिमला मिर्च अच्छे से कुक हो गया है, अच्छे से सब्जियाँ कुक हो गई हैं, पक गए हैं। तो मैं यहाँ पर पनीर था तो उसे अच्छे से हाथों से मसल लिया है, तो वो ऐड करते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से मसला है मैंने पनीर को, छोटे छोटे एकदम हो गए हैं। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स करती हूँ, अच्छे से मिला लेते हैं मसालों को और थोड़ा सा नमक यहाँ ऐड करते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अच्छे से नमक को भी मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से नमक को मिक्स कर लीजिए हर जगह से, कहीं पर नमक ज़्यादा कम ना रहे। और अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला डालते हैं, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो हम थोड़ी देर से पका लेते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं हमारा पनीर भुर्जी बहुत अच्छे से कुक हो गया है, पूरी तरह से मसाला मेल्ट हो गया है, अच्छे से मिल गया है। तो इसमें थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर लीव्स डालते हैं, धनिया से अच्छे से इसको डेकोरेट कर लेते हैं। मिक्स कर लिया, अब मैं आपको निकाल के प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये कितना टेस्टी दिख रहा है, इतना यमी स्पाइसी दिख रहा है, काफ़ी कलरफुल है। तो आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।